हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वन शॉट रिवीजन की सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन वाला पोर्शन चल रहा है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन में मैं दो वन शॉट ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट वन शॉट में हमने कवर किया था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कोची इंटीग्रल थ्योरम, कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले। दूसरे वन शॉट में हमने कवर किया था टेलर सीरीज, लोरेंट सीरीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज बताए थे। और ये हमारा थर्ड वन शॉट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन का, जिसमें हम कवर करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोची रेजिडी थ्योरम। ठीक है, कोची रेजिडी थ्योरम आज के इस वन शॉट में हम कवर करेंगे, साथ ही साथ में कोची रेजिडी थ्योरम का एप्लीकेशन जो कि कॉन्टूर इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है ना, जिसको कॉन्टूर इंटीग्रेशन भी कहते हैं, और जो हम कोची रेजिडी थ्योरम को अप्लाई करके सॉल्व करते हैं रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन को। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेजिडी थ्योरम या एप्लीकेशन ऑफ कोची रेजिडी थ्योरम, ये आज के इस वन शॉट में हम डिस्कस करने वाले हैं विद इंपोर्टेंट एग्जांपल्स। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है यहां पर पोल्स। पोल्स मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था, तो पोल्स से ही हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पोल्स को लेकर हम रेजिड्यू निकालना सीखेंगे और रेजिड्यू से हम कोची की रेजिड्यू थ्योरम बनाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पोल्स की या सिंगुलरिटी की। पोल्स और सिंगुलरिटी किसी फंक्शन के लिए कैसे फाइंड करते हैं? पोल्स एंड सिंगुलरिटी ऑफ द पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ फंक्शन एफ जेड। ठीक है, पोल से मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को अगर हम जीरो रखते हैं, जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है, तो वो सिंगुलर पॉइंट कहते हैं उनको, और वही हमारे पोल बनाते हैं। वही डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है, द पॉइंट्स एट विच द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बिकम्स इनफाइनाइट। मे पॉइंट जिन पर एफ जेड फंक्शन जो है वो आपका इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी वैल्यू देगा। ठीक है, द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, वे पॉइंट जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है सिंगुलर पॉइंट तो कहलाते ही है, साथ ही साथ में उनको हम पोल भी कहते हैं। ठीक है, और पोल्स के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा उसके डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो रखते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड को हमें जीरो रखना होता है पोल्स को फाइंड करने के लिए। दूसरा, इसमें पोल्स का भी ऑर्डर होता है, जैसे जीरोज का ऑर्डर होता है ऐसे पोल्स का ऑर्डर होता है, जितनी फैक्टर की पावर होगी उसने ही ऑर्डर का पोल बनाएगा। ठीक है, वही मैंने लिखा है, द पावर ऑफ द फैक्टर्स डिफाइन ऑर्डर ऑफ पोल। फॉर एग्जाम्पल इससे समझ लेते हैं, इस फंक्शन को हम लेंगे e की पावर z अपॉन z माइनस 1 की पावर 3 z माइनस 8, इसके पोल्स हम फाइंड करेंगे और उनके ऑर्डर हम फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल है, जो कि फंक्शन आपको दिया है वो लिख लेंगे, फिर हम फॉर द पोल्स, फॉर पोल्स जो डेफिनेशन हमें कहती है, हमें पुट करना होगा डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इक्वल टू जीरो। तो यदि हम इसके डिनोमिनेटर को जीरो पुट करें तो उसका डिनोमिनेटर है z माइनस 1 की पावर 3 z माइनस 8 इक्वल टू जीरो। तो यहां पर तीन वैल्यू सेम आएगी, 1 1 1, क्योंकि इस फैक्टर की तीन पावर है, इस फैक्टर की तीन पावर है तो तीन वैल्यू सेम आएगी 1 1 1। इस फैक्टर की एक पावर है तो एक ही बार में आपको वैल्यू मिलेगी z इक्वल टू 8। जो एक ही पावर की फैक्टर से मिली है वैल्यू, वो हमारा सिंपल पोल कहलाता है, सिंपल पोल, या इसको हम बोलते हैं पोल ऑफ ऑर्डर, पोल ऑफ ऑर्डर 1, इसको हम 1 ऑर्डर का पोल भी कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो हमारा तीन बार रिपीटेड रूट आया जेड इक्वल टू 1 1 1, तीन पावर के फैक्टर से मिला है, तो ये जो पोल हमारा बनेगा पोल ऑफ ऑर्डर 3 होगा, पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो जितनी जिस फैक्टर की पावर होगी उतना ही रिपीटेड रूट आएगा और उतने ही ऑर्डर का पोल हमें मिलता है। 1 ऑर्डर का पोल आपका होगा सिंपल पोल या पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो रखेंगे, उसको जीरो रख करके जो पॉइंट आते हैं वो पोल होते हैं, उनका ऑर्डर आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। इन्हीं को हम सिंगुलर पॉइंट भी कहते हैं। तो अब हम पोल्स निकालना जान चुके किसी भी फंक्शन एफ जेड के लिए, अब इन पोल्स पर हम रेजिड्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर दो तरह के पोल बनेंगे, एक तो होगा सिंपल पोल जो कि आपका 1 ऑर्डर का पोल होगा, या 1 से ज्यादा ऑर्डर के पोल होंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला यहां पर है रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल। यदि हमारे पास जेड इक्वल टू ए कोई पोल है, इस तरीके से जेड इक्वल टू ए कोई पोल है और ये सिंपल पोल है, मतलब 1 ऑर्डर का पोल है, तो इस पर हम रेजिड्यू कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है रेजिड्यू आर इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए, जो भी पोल है, लिमिट जेड टेंस टू ए
जेड माइनस ए फैक्टर की मल्टीप्लाई एफ जेड के साथ। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, लिमिट वाला फॉर्मूला, जेड माइनस ए एफ जेड और जेड टेंडिंग टू ए लिमिट लेते हैं, और जो हमारी आर की वैल्यू आती है वही हमारा सिंपल पोल पर रेजिड्यू होता है। ये तो हो गया उसके लिए फॉर्मूला जब आपका सिंपल पोल हो या वन ऑर्डर का पोल हो। फिर हमारा फॉर्मूला होगा वन से ज्यादा ऑर्डर के पोल के लिए, ठीक है। तो मैं जनरली एम ऑर्डर के पोल के लिए लेके चलेंगे हम, है ना, फॉर्मूला जनरल हो जाएगा। फिर जितने ऑर्डर का पोल होगा, तीन ऑर्डर का पोल है तो एम को थ्री रख देंगे, चार ऑर्डर का पोल है तो एम को चार रख देंगे। उसी तरीके से हम इस फॉर्मूले को सभी पोल्स के लिए आगे यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका है रेजिड्यू एट ए पोल ऑफ ऑर्डर एम। यदि एम ऑर्डर का पोल आपके पास हो जेड इक्वल टू ए, तो उस पर हम रेजिड्यू कैसे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू वन अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस वन, लिमिट होती है जेड टेंडिंग टू ए जो कि पोल है, फिर अंदर आपका ब्रैकेट लगना है, ब्रैकेट में आपको एम माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है जेड के रेस्पेक्ट में, डी एम माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर एम माइनस वन, और किसका डिफरेंशिएशन करना है, जेड माइनस ए फैक्टर की पावर एम इंटू एफ जेड का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है एम ऑर्डर के पोल के लिए रेजिड्यू निकालने का। यहां पर एम की वैल्यू जितने ऑर्डर पोल, जितना भी ऑर्डर निकलेगा पोल का, उसी को हम यहां पर यूज करेंगे। अगर ऑर्डर आपका टू है पोल का तो एम की वैल्यू टू, ऑर्डर थ्री है तो एम की वैल्यू थ्री, इस फॉर्मूले में यूज करते हैं। फॉर्मूले लिख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन में आगे यूज होने वाला है। तो ये दो फॉर्मूले मैंने बताए, सिंपल पोल पर रेजिड्यू निकालना और पोल ऑफ ऑर्डर एम पर रेजिड्यू निकालना। फिर हम डिफाइन करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कोची रेजिड्यू थ्योरम। अगर आपको पोल्स और रेजिड्यू निकालने आ गए, फिर हम फाइन करते हैं कोची की रेजिड्यू थ्योरम को सीखते हैं। कोची रेजिड्यू थ्योरम जो कि कोची इंटीग्रल फॉर्मूले थे, सारे क्वेश्चन वही आने वाले हैं इसमें भी, लेकिन वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोसेस है कि हमें पोल निकालने हैं, रेजिड्यू निकालना है और थ्योरम लगानी है। इससे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं स्टेप वाइज। तो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कोची रेजिड्यू थ्योरम की। इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन क्लोज कर्व सी, कोई क्लोज कर्व सी है इस तरीके से आपके पास, ये मैंने क्लोज कर्व सी मान लिया, सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है क्लोज कर्व, यहां पर मैंने इस तरीके से क्लोज कर्व सी माना। तो एफ जेड जो है इसमें एनालिटिक है, इस क्लोज कर्व सी में एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स जिन पर फंक्शन इन्फिनिटी बनता है, जिसके लिए आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जीरो रख करके फाइंड करते हैं पोल्स को। तो कुछ पॉइंटों पर जो है हमारा फंक्शन एफ जेड एनालिटिक नहीं है, और वो पॉइंट आपके लाइव इनसाइड सी, वो सी के अंदर लाई करते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि वो पॉइंट है हमारे, पहला पॉइंट है जेड वन, दूसरा पॉइंट है कहीं पर इस तरीके से जेड टू, है ना, और कहीं पर पॉइंट है जेड थ्री, ऐसे ही एंड पॉइंट मैंने मान लिया, फाइनाइट पॉइंट्स मैंने माने, जेड वन जेड टू जेड एन पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए। ये वे पॉइंट्स है जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इन पर फंक्शन इन्फिनिटी वैल्यू देगा, इसलिए पोल कहलाएंगे, सिंगुलर पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे कर्व के अंदर है। एंड समेशन आर इज द सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स, अगर ये पोल्स है तो हम इन पर रेजिड्यू निकाल सकते हैं, इनका ऑर्डर निकाल के, है ना। मान लिया मैंने इसका रेजिड्यू आया है आपका, इसका रेजिड्यू आया आर वन, ठीक है, इसका रेजिड्यू आया आर टू, ऐसे ही आर जेड थ्री का रेजिड्यू आया आर थ्री, और जेड एन का रेजिड्यू आया आर एन, ये मैंने इनके रेजिड्यूज मान लिए, ठीक है। अगर ये रेजिड्यूज है इन पोल्स के तो हम इनका सम निकाल सकते हैं, सम मतलब समेशन ऑफ आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस तरीके से हम सबको जोड़ सकते हैं, ठीक है, सम इसका फाइंड कर सकते हैं। फिर आपकी कोची की रेजिड्यू थ्योरम ये कहती है कि अगर इस क्लोज कर्व सी में हमें एफ जेड का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो फॉर्मूला होता है टू पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज। जितने भी पोल्स हमारे कर्व के अंदर लाई करेंगे वही पोल लेने हैं जो कर्व के अंदर जाएंगे, उन पर रेजिड्यू निकालना है और ये फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू टू पाई आई और इन सम का, इन सभी रेजिड्यूज का सम जोड़ देना है रेजिड्यूज को। ये ऐसे भी कह सकते हैं टू पाई आई सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स लाइज इनसाइड सी, हमें केवल इसमें वही रेजिड्यूज निकालने हैं, वही पोल्स पर रेजिड्यूज निकालने हैं जो कर्व के अंदर होंगे। अगर कोई पोल कर्व से बाहर जाता है उसको हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें केवल वही कंसिडर करने हैं जो हमारे कर्व के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू टू पाई आई और जितने भी आपके पोल्स है जो कर्व के अंदर है उन पर रेजिड्यू निकाल देंगे, उनको जोड़ देंगे आर वन प्लस आर टू और प्लस इसी तरीके से हमारा आर एन, जितने भी पोल्स कर्व के अंदर है उनको जोड़ देंगे। तो ये होती है आपकी कोची की रेजिड्यू थ्योरम।
ठीक है, इससे वो सारे इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएंगे जो आपने कुछ इंटीग्रल फॉर्मूलों में पढ़े हैं, है ना। वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है कुछ इंटीग्रल फॉर्मूलों का, कॉम्प्लेक्स भी होता है थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें स्टेप वाइज चलना है। आपको पहले पोल निकालना है, पोल निकालने के बाद ये देखना है कि कौन कौन से पोल कर्व के अंदर है, ठीक है। फिर हमें उन पर रेजिड्यू निकालना है जो कर्व के अंदर है, और फिर ये फॉर्मूला लगा के हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। कैसे करते हैं एग्जाम्पल से डिटेल में समझेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल मैंने उठाया इवेल्युएट बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम, यही एग्जाम्पल मैंने कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले में भी कराया था, वही सेम एग्जाम्पल यहां पर उठाया, आंसर सेम ही आना है। इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है और यहां पर जो सी है वो एक सर्कल दिया है मोड जेड इक्वल टू 4। सर्कल आप जानते हैं कि सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर होता है, जेड नोट होता है सेंटर, आर होता है रेडियस, ठीक है। तो जेड नोट की वैल्यू यहां पर 0 0 है जो कि सेंटर बनेगा, और रेडियस यहां पर इसकी 4 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4,0, ये पॉइंट हो जाएगा -4,0, ये पॉइंट होगा 0,4 और ये पॉइंट होगा 0,-4। ये हमें सर्कल यहां पर गिवन है, ठीक है। इसको हम क्लोज कर्व सी कह देंगे। इस सर्कल में हमें इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम जो भी इंटीग्रेशन के अंदर आपको फंक्शन दिया है उसको एफ जेड मान लेना होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में लेट एफ जेड हमने कंसीडर किया साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर और डिवाइड बाई जेड माइनस वन का स्क्वायर और जेड माइनस टू। सबसे पहला काम पोल्स निकालना, ठीक है। तो पोल्स निकालने के लिए फॉर द पोल्स पुट कर देंगे इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0। अगर हम इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 पुट करें तो यहां से पोल्स आपको मिलेंगे जेड माइनस वन का स्क्वायर जेड माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहां से आपको जेड की वैल्यू मिलेगी 1,1 टू टाइम, क्योंकि 2 पावर का फैक्टर है, और यहां से जेड की वैल्यू मिलेगी 2 एक बार, क्योंकि 1 पावर का फैक्टर है, 1 बार वैल्यू आएगी। तो ये तो हो जाएगा सिंपल पोल, ये होगा सिंपल पोल, और ये हो जाएगा पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो सबसे पहला काम कि जो भी फंक्शन दिया है उसके पोल को फाइंड करना, सिंगुलर पॉइंट को फाइंड करना इस तरीके से, फिर उसका ऑर्डर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आपका दूसरा काम है कि जो पोल्स हमने निकाले हैं वो चेक करने हैं कि कितने क्लोज कर्व सी के अंदर है कितने बाहर है। जो क्लोज कर्व सी के अंदर होंगे उन पर रेजिड्यू निकालना है, जो बाहर जाएंगे उन पर रेजिड्यू हमें नहीं निकालना है। हमें हमारी थ्योरम ये कहती है कि हमें वही पोल्स लेने हैं जो कर्व के अंदर जाएंगे। तो पहला पॉइंट है आपका जेड इक्वल टू 1, और अगर जेड इक्वल टू 1 की बात करें तो इससे पॉइंट हमारा बनेगा जेड इक्वल टू 1+0 आई, जिसको हम 1,0 पॉइंट कह सकते हैं। ये पॉइंट आपको देगा जेड इक्वल टू 2,0 पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप देख सकते हैं क्योंकि 4 रेडियस है हमारी सर्कल की, ठीक है, 4 रेडियस है। तो जेड इक्वल टू 1 पॉइंट यहां पर होगा और कहीं पर जेड इक्वल टू 2 पॉइंट यहां पर होगा, ये 1,0 और ये आपका 2,0, यानी कि दोनों के दोनों पोल हमारे कर्व के अंदर लाई करते हैं। तो हमें दोनों पर ही रेजिड्यू निकालना होगा कोची की रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। लिख देते हैं बोथ पोल्स लाइज इनसाइड, बोथ पोल लाइज इनसाइड सी, दोनों के दोनों पोल सी के अंदर लाई करते हैं, ठीक है ना। तब हम इन पर रेजिड्यू निकाल देंगे। अब हम निकालते हैं पहले रेजिड्यू एट कौन से पोल पर, जेड इक्वल टू 2 पर निकालते जो कि सिंपल पोल है, ठीक है। सिंपल पोल पर रेजिड्यू का फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी बताया था आपको, आर इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर हम सारी वैल्यू रख देंगे, आर इक्वल टू लिमिट ए की वैल्यू है जो पोल है हमारा जेड टेंस टू 2, ठीक है, ए की वैल्यू यहां पर रखेंगे जेड माइनस 2, एफ जेड की वैल्यू रखेंगे हमारी ये वैल्यू है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस वन का स्क्वायर और जेड माइनस 2। ऐसा करने से पूरा पूरा फैक्टर कटता है, हमेशा याद रखिएगा ये फैक्टर जब भी होगा कोची की रेजिड्यू थ्योरम में ये हमेशा कटता है। 99% क्वेश्चन ऐसे है कि फैक्टर कटता है। इसको काटने के बाद जो भी बचा है उसमें जेड को 2 रख देंगे जो लिमिट है। जेड को 2 रखने पर ऊपर से आपको मिलेगा इज इक्वल टू
जेड को टू रखने पर ये साइन फोर पाई हो जाएगा, ठीक है, यहां पर कोस फोर पाई हो जाएगा जेड को टू रखने पर, और नीचे आपको मिलेगा जेड को टू रखने पर टू माइनस वन का होल स्क्वायर, जो कि वन का स्क्वायर वन ही मिलेगा। साइन फोर पाई की वैल्यू जीरो होती है, कोस फोर पाई की वैल्यू वन होती है, तो इसको सॉल्व करने पर आपको नीचे से भी वन मिला, ऊपर से भी आपको वन मिलेगा। ध्यान रखना कोस टू पाई, कोस फोर पाई, कोस सिक्स पाई हमेशा प्लस वन देता है, और कोस पाई, कोस थ्री पाई, कोस फाइव पाई हमेशा माइनस वन देता है। साइन एन पाई तो जीरो होता है, तो ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू वन, नीचे से आपको वन का स्क्वायर मिलेगा जो कि वन ही आएगा, यानी कि जो हमारा एक रेजिड्यू आया है वो हमारा वन आ गया पहले पोल पर। दूसरे पोल पर निकालते हैं रेजिड्यू, रेजिड्यू एट दूसरा पोल है जेड इक्वल टू वन, लेकिन वो जो पोल है वो दो ऑर्डर का पोल है, तो इसलिए उसमें एम वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो पहले हम एम वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। एम वाला जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होगा आपका रेजिड्यू का, आर इक्वल टू वन अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस वन, लिमिट जेड टेंस टू ए, ठीक है, और यहां पर होता है एम माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन, एम माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है, जेड माइनस ए की पावर एम इंटू एफ जेड का, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एम होता है पोल का ऑर्डर, क्योंकि इस पोल का ऑर्डर टू है ना, इस पोल का ऑर्डर टू है, तो एम की वैल्यू हम हर जगह पे टू चला देंगे और सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। इससे मिलेगा आर इक्वल टू वन अपॉन एम की वैल्यू टू रखेंगे, फैक्टोरियल टू माइनस वन, लिमिट ए की वैल्यू रख देंगे जेड टेंस टू वन, ये हमारी ए की वैल्यू होगी जेड टेंस टू वन, एम की वैल्यू जब टू रखेंगे तो टू माइनस वन, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन बचेगा डी अपॉन डी जेड, और यहां पर आपका आएगा जेड माइनस वन की पावर एम की वैल्यू टू, दो ऑर्डर का पोल है, ए की वैल्यू ये आपकी वन हो जाएगी जेड इक्वल टू, फिर इंटू में एफ जेड, एफ जेड आपका जो फंक्शन है वो हम रख देंगे, एफ जेड की वैल्यू ये है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर और जेड माइनस टू। तो हमने क्या किया, इसमें वैल्यू रखी, ए की वैल्यू वन क्योंकि पोल हमारा वन है, एम की वैल्यू टू क्योंकि इसका ऑर्डर टू है, और एफ जेड की वैल्यू जो आपका फंक्शन है वो रख दिया। ऐसा करने से फैक्टर पूरा पूरा कट जाएगा। इसको काटने के बाद जो हमारा बचेगा बाहर मिलेगा वन अपॉन फैक्टोरियल वन, जो कि वन ही वैल्यू देगा, लिमिट जेड टेंस टू वन, अब हमारा यहां पर बचा है डी अपॉन डी जेड, और एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर, और डिवाइड में आपका जाएगा जेड माइनस, सॉरी ये फैक्टर नहीं कटेगा भाई, ये बाय मिस्टेक हो गया, फैक्टर कटेगा ये वाला जेड माइनस टू, ऐसे ही रहेगा, तो ये फैक्टर कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो यहां पर आपको मिलेगा जेड माइनस टू। अब इसका हमें करना है एक बार डिफरेंशिएशन, फिर इसमें लिमिट रखनी है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करने के लिए ऊपर भी जेड का फंक्शन है, नीचे भी जेड का फंक्शन, तो आपको यहां पर कोशेंट रूल लगा करके एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो कोशेंट रूल लगाते हैं, लिमिट जेड टेंस टू वन, कोशेंट रूल आपको ये कहता है कि जो डिवाइड में है उसका होल स्क्वायर, डिवाइड में जो है उसको एज इट इज, जो न्यूमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन पाई जेड स्क्वायर का कोस पाई जेड स्क्वायर, कोस पाई जेड स्क्वायर का माइनस साइन पाई जेड स्क्वायर, और चूंकि कंपोजिट फंक्शन है चेन रूल से पाई जेड स्क्वायर का दोबारा होगा पाई कॉन्स्टेंट और जेड स्क्वायर का टू जेड, माइनस इस बार न्यूमिनेटर को एज इट इज, साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर को एज इट इज, और जेड माइनस टू का डिफरेंशिएशन वन। तो इस तरीके से ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा डिफरेंशिएशन करने पर। अब इसमें जेड को वन डाल देते हैं, यदि आप इसमें जेड को वन डालते हैं हर जगह पर, तो नीचे से मिलेगा वन माइनस टू का होल स्क्वायर, जो कि माइनस वन का होल स्क्वायर वन ही वैल्यू देगा। यहां पर जेड को वन डालेंगे तो वन माइनस टू आएगा, यहां पर जेड को वन डालेंगे तो कोस पाई आएगा, है ना, माइनस यहां पर साइन पाई आएगा, ठीक है, और यहां पर आपको जेड को वन डालने पर टू पाई मिलेगा, यहां पर आपको माइनस साइन पाई मिलेगा, और ये आपको प्लस कोस पाई मिलेगा। तो इस तरीके से हम जेड की वैल्यू वन डाल देंगे तो ये मिलेगा, साइन पाई जीरो होता है, कोस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, सारी वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, वन माइनस टू माइनस वन होता है,
कोस पाई की वैल्यू -1 होगी, साइन पाई 0 हो जाएगा, 2 पाई यहां से मिलेगा, और यहां पर एक माइनस है, साइन पाई 0, कोस पाई की वैल्यू -1, और डिवाइड में 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर जो +1 देगा, और इसको सॉल्व अगर करें तो ये आपको माइनस माइनस प्लस 2 पाई मिलेगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस 1 मिलेगा। तो ये आपका दूसरे पोल पर रेजिड्यू आ गया, ठीक है, दोनों पोल पर रेजिड्यू आ चुका है। अब हम कोची की रेजिड्यू थ्योरम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नाउ बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम, नाउ बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम, कोची की रेजिड्यू थ्योरम यहां पर लगा देंगे। कोची की रेजिड्यू थ्योरम होती है कि जो आपका इंटीग्रेशन सी होगा एफ जेड डी जेड, वो बराबर होगा 2 पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज, सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स लाइज इनसाइड सी। उन पोल्स पर रेजिड्यू निकालना है जो कि सी के अंदर लाई करते हैं, और उन पर आपने दो रेजिड्यू निकाले हैं, एक ये वाला और एक ऊपर वाला, हम दोनों को डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं। इसको मैं R1 कह देता हूं, ठीक है, इसको मैं R1 बोल देता हूं, इसको मैं R2 बोल देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे दो रेजिड्यू हो जाएंगे, एक R1 और एक R2, तो ऐसे भी कह सकते हैं लास्ट में 2 पाई आई, दो ही रेजिड्यू है R1 प्लस R2, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। इधर इंटीग्रेशन में एफ जेड की वैल्यू रखेंगे, एफ जेड आपने जो फंक्शन माना था स्टार्टिंग में, वो फंक्शन लिख देता हूं मैं यहां पर, एफ जेड की वैल्यू साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर जेड माइनस 2, ये एफ जेड की वैल्यू थी 2 पाई आई। यहां पर रेजिड्यूज की वैल्यू रखेंगे, पहला रेजिड्यू जो हमारा आया था R1, R1 की वैल्यू थी 1, है ना, R1 की वैल्यू थी 1, और R2 की वैल्यू है 2 पाई प्लस 1, यहां पर रख देता हूं 1 प्लस 2 पाई प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आई तो बाहर है, अंदर से मिलेगा 2 पाई प्लस 2, और इसमें से 2 कॉमन लेकर के आप लिख सकते हो 4 पाई आई इंटू पाई प्लस 1। तो ये आपने इंटीग्रेशन किया बाय यूजिंग कोची रेजिड्यू थ्योरम। यही क्वेश्चन आपने कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से भी किया था, लेकिन पहले उसमें कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगी थी। कोची की एक्सटेंशन थ्योरम लगाने के बाद कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले लगे थे, सिंपल फॉर्मूला और डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला। ये प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, पहले पोल निकालो, वे पोल देख लो जो कर्व के अंदर है, फिर उन पर आपको रेजिड्यूज फाइंड करने हैं जो कर्व के अंदर है। दो फॉर्मूले होते हैं, सिंपल पोल का अलग, वन ऑर्डर के पोल का अलग, और वन से ज्यादा ऑर्डर के पोल का अलग, दोनों मैंने फॉर्मूले क्वेश्चन में यूज करे, और लास्ट में जाके आपको थ्योरम लगा देनी होती है, और थ्योरम लगा के कोची की रेजिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन बहुत इजीली फाइंड हो जाता है। तो ये कोची की रेजिड्यू थ्योरम, बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप लगाएंगे इंपॉर्टेंट शीट से, जो मैंने आपको शीट शेयर कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर। अब हम इसके एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। पहला एप्लीकेशन इसका होता है कॉन्टूर इंटीग्रेशन में, है ना, कॉन्टूर इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोची रेजिड्यू थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन जो इंटर में आपसे सॉल्व नहीं हुए थे किसी भी मेथड से, वो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन की कोची रेजिड्यू थ्योरम को यूज करके सॉल्व करते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन होता है जब आपको 0 से 2 पाई लिमिट दी हो, फिक्स है ये टाइप होना चाहिए, 0 से 2 पाई लिमिट दी हो, और इस फंक्शन के अंदर आपको कोस थीटा देखने को मिले, साइन थीटा देखने को मिले, और बाहर डी थीटा, यानी कि थीटा के टर्म में आपका इंटीग्रेशन दिया हो, तो उसको हम कोची की रेजिड्यू थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोची की रेजिड्यू थ्योरम से सॉल्व करने के लिए पहले इस इंटीग्रेशन को हमें जेड में कन्वर्ट करना होता है। तो जेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो वर्किंग रूल समझिए। सबसे पहले देखिए, यहां पर जो आपको लिमिट दी है वो 0 से 2 पाई दी है, इसका मतलब आपको एक सर्कल टाइप का कर्व लेना होगा। सर्कल में आप जानते हैं अगर पूरा राउंड लेंगे, यहां पर थीटा इक्वल टू 0 होता है, जब आप इस तरीके से पूरा राउंड लेंगे तो थीटा वैरी करेगा आपका 0 से लेकर 2 पाई। थीटा कहां से कहां तक वैरी करेगा, 0 से लेकर 2 पाई। तो यानी कि हमें अगर 0 से 2 पाई लिमिट दी है तो आप एक पूरा सर्कल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमने सर्कल को कंसीडर किया, और इस सर्कल को मैं मान लेता हूं यूनिट यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब मोड जेड इक्वल टू 1, इसको कंसीडर किया, ये हमने कंसीडर किया, और इस यूनिट सर्कल में सेंटर ओरिजिन होगा रेडियस 1, क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल नहीं मानना है, एक छोटा सा सर्कल माना जिसकी रेडियस 1 है और सेंटर इसका ओरिजिन है।
तो इसमें हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं मोड जेड इक्वल टू वन। अब हमें क्या करना है, साइन थीटा, कोस थीटा और डी थीटा, इन सब की वैल्यू निकालनी है और इसको जेड में कन्वर्ट करना है। उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए सर्कल की पोलर फॉर्म। जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू अगर आर है तो उसकी पोलर फॉर्म होती है जेड इक्वल टू जेड नोट प्लस आर ई की पावर आई थीटा। ये हमारी सर्कल की पोलर फॉर्म होती है जो मैंने नीचे लिखी है आर और थीटा की फॉर्म में। आर होती है रेडियस, जेड नोट होता है सेंटर, ठीक है। तो यहां पर अगर इसी फॉर्मूले को यूज करें इस सर्कल के लिए तो आपको जेड की वैल्यू मिल जाएगी, जेड इक्वल टू जेड नोट, जेड नोट की वैल्यू यहां पर जीरो है और आर रेडियस की वैल्यू वन है, ई की पावर आई थीटा। तो इस कर्व के लिए जो हमारा जेड बनेगा वो ई की पावर आई थीटा बनेगा। फिर हम इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन डी जेड, इससे आपको मिलेगा ई की पावर आई थीटा और ई की पावर आई थीटा, ई की पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन ई की पावर आई थीटा, आई थीटा का दोबारा करेंगे तो आई कॉन्स्टेंट और डी थीटा का डी थीटा। इसको अगर यहां पर आप वैल्यू को रख दें, ई की पावर आई थीटा की वैल्यू जेड है तो ये आई जेड डी थीटा बन जाएगा, यानी कि हमें एक वैल्यू फाइंड हो गई डी थीटा की, डी जेड अपॉन आई जेड, ये हमारी पहली वैल्यू हो गई क्योंकि हमें यहाँ पे डी थीटा को जेड में बदलना है। डी थीटा को जेड में बदल सकते हैं डी जेड अपॉन आई जेड लेकर के। अब चूंकि जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा है तो आप यहां पर जेड की पावर माइनस वन यानी कि वन अपॉन जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वो होगी ई की पावर माइनस आई थीटा, वो क्या होगी e की पावर माइनस आई थीटा, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि अगर e की पावर आई थीटा की बात करें तो वो होता है कोस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, ऐसे ही e की पावर माइनस आई थीटा की बात करें तो वो होता है कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, जो कि यहां पर आ गया, प्लस में प्लस साइन होता है माइनस में माइनस साइन होता है। जेड की वैल्यू e की पावर आई थीटा और जेड वन अपॉन जेड की वैल्यू e की पावर माइनस आई थीटा जो कि इस फॉर्म में आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, देयरफॉर अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर साइन थीटा की वाली टर्म कट जाएगी और यहां से मिलेगा टू कोस थीटा, यानी कि इससे आपका एक एक्सप्रेशन आ जाएगा कोस थीटा वाला। दोनों को घटा देते हैं, घटा देंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, ये आपको मिलेगा टू आई साइन थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां से आपको कोस थीटा की वैल्यू मिलेगी वन अपॉन टू और जेड प्लस वन अपॉन जेड, जिसको हम वन अपॉन टू जेड प्लस जेड की पावर माइनस वन भी कह सकते हैं। तो ये होगी दूसरी कंडीशन, कोस थीटा को हम जेड की फॉर्म में इस फॉर्मूले को यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही साइन थीटा को अगर कन्वर्ट करेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका, इसको टू आई को डिवाइड में ले जाओ, वन अपॉन टू आई जेड माइनस वन अपॉन जेड, जिसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू आई जेड माइनस जेड की पावर माइनस वन। तो ये हो गई तीसरी कंडीशन, साइन थीटा को हम इस तरीके से जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई तो बन जाएगा ये यूनिट सर्कल सी, तो जीरो से टू पाई तो बन गया यूनिट सर्कल सी। एफ फंक्शन सेम रहेगा, कोस थीटा की वैल्यू होगी जो हमने यहां पर फाइंड किया है वन अपॉन टू जेड प्लस जेड की पावर माइनस वन, ठीक है। फिर साइन थीटा की वैल्यू होगी जो हमने फाइंड किया वन अपॉन टू आई जेड माइनस जेड की पावर माइनस वन। फिर बाहर डी थीटा की वैल्यू है डी जेड अपॉन आई जेड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जीरो से टू पाई थीटा की फॉर्म में इंटीग्रेशन था, ये पूरा इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जेड की फॉर्म में बदल जाएगा। और अगर ये जेड की फॉर्म में बदल जाता है तो फिर हम इसमें कोची की रेजिडी थ्योरम लगा देंगे और कोची की रेजिडी थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है कॉन्टूर इंटीग्रेशन, कॉन्टूर क्योंकि पूरा क्लोज कर्व हम लेकर के चले हैं, क्लोज कर्व सी तो कॉन्टूर इंटीग्रेशन बनाता है। और कॉन्टूर इंटीग्रेशन में हमने थीटा के कर्व को, थीटा के फंक्शन को किस में बदला, इंटीग्रेशन को जेड में बदला है। और हम इसमें चूंकि अप्लाई करते हैं कोची की रेजिडी थ्योरम, तो ये एप्लीकेशन ऑफ कोची रेजिडी थ्योरम भी होता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अब मैं एक एग्जाम्पल में आपको यूज करना बताता हूं कैसे इसको यूज करते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है जो कि यूज होती है कभी कभी, हमें ना इंटीग्रेशन में लिमिट जो है वो जीरो से टू पाई ना दे करके या तो दे दी जाएगी जीरो से पाई या दे दी जाएगी माइनस पाई से पाई, ये दो लिमिट दे दी जाती है। तो यदि इस तरीके से आपको लिमिट ये दे दी जाए
तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई में ही फाइंड करना है, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो पूरे सर्कल के लिए बनाया है, तो 0 से 2 पाई में फाइंड कर लेंगे। फिर लगाते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी आपने इंटर में पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी पहली ये होती है कि यदि इफ फंक्शन में अगर हम अपर लिमिट माइनस थीटा कर देंगे, एफ थीटा जो फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर, अगर इसमें अपर लिमिट माइनस थीटा रख दे थीटा की जगह पे और सॉल्व करके वो एफ थीटा ही आ जाए, अपर लिमिट माइनस थीटा थीटा की जगह पे रखना है और सॉल्व करके वो एफ थीटा ही बन जाए, तब हम क्या करते हैं बाहर 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब लिमिट 2 से डिवाइड होगी तो 2 से 2 कट जाएगा और वो पाई की फॉर्म में लिमिट आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये होती है पहली प्रॉपर्टी। यदि आपको 0 से पाई लिमिट दी है तो आपको ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगानी होती है, अपर लिमिट माइनस थीटा थीटा की जगह पे रखना है फंक्शन में, अगर एफ थीटा बन जाए तो हम बाहर 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट को 2 से अपर लिमिट को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम 0 से पाई में फाइंड कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी तो आपकी आप जानते ही है कि अगर माइनस पाई से पाई लिमिट हो तो ये दो वैल्यू देगा, एफ थीटा का इंटीग्रेशन है दो वैल्यू देगा, ओड पर ये 0 हो जाएगा, इवन पर ये 2 से मल्टीप्लाई लिमिट 0 से हो जाएगी, जो आपने फोरियर सीरीज वगैरह में भी काफी यूज की है। तो वही प्रॉपर्टी होती है, माइनस पाई से पाई एफ थीटा डी थीटा है, अगर ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन हो, एफ थीटा कैसा फंक्शन हो, इवन फंक्शन हो, यानी कि आप थीटा को माइनस थीटा रखें और एफ थीटा ही वापस मिल जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इवन फंक्शन में 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिमिट को 0 से कन्वर्ट कर देते हैं, 0 से पाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यदि आपको माइनस पाई से पाई लिमिट दी है या 0 से पाई लिमिट दी है, तो ये दोनों डेफिनेशन दोनों फॉर्मूले यूज करने होते हैं और दोनों फॉर्मूलों को यूज करके हम इंटीग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। जितनी भी मैंने आपको कॉन्टूर इंटीग्रेशन में अभी बताया सबको इस एग्जांपल में यूज करना सिखाता हूं। पहला आपका है 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन फाइंड करना है, वही कॉन्सेप्ट लगा के पूरे इंटीग्रेशन को जेड में बदल के कोची की रेंजी थ्योरम से। फिर इसमें 0 से पाई वाला भी वैल्यूएट करना है, माइनस पाई से पाई वाला भी वैल्यूएट करना है, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट जो ऊपर लिखे हैं फॉर्मूले ये भी लगा के आपको दिखाना है, एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में अगर देखें आप तो ये हमें कर्व दिया है 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कोस थीटा। तो यूनिट सर्कल कंसीडर कर लेंगे, ये हमारा सर्कल सी है जो कि एक यूनिट सर्कल है मोड जेड इक्वल टू 1, जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है इसकी 1। तो ये 10 पॉइंट, ये 0 1 पॉइंट, ये 0 सॉरी माइनस 1 कोमा 0 पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा 0 कोमा माइनस 1 पॉइंट। यूनिट सर्कल है तो उसके चारों पॉइंटों को डिनोट कर सकते हैं। पूरे इंटीग्रेशन को जेड में बदलने के लिए दो वैल्यू मुझे चाहिए, एक तो डी थीटा की जो अभी आपने निकाली थी डी जेड अपॉन आई जेड, एक कोस थीटा की जो अभी आपने निकाली थी 1 अपॉन 2 जेड प्लस 1 अपॉन जेड। तो दोनों वैल्यू मैंने लिख दी, कंसिडर यूनिट सर्कल मोड जेड इक्वल टू 1। जेड अगर हम ई की पावर आई थीटा कंसिडर करते हैं तो डी थीटा की वैल्यू आएगी डी जेड अपॉन जेड, जो कि डिटेल में अभी बताई है आपको। कोस थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 जेड प्लस 1 अपॉन जेड। अब ये सारी वैल्यू जिसमें रख देंगे तो ये पूरा का पूरा जो कर्व है जेड की फॉर्म में बदल जाएगा इस यूनिट सर्कल को कंसिडर करके। तो ये 0 से जो 2 पाई लिमिट है ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी कॉन्टूर इंटीग्रेशन सी में, इस क्लोज कर्व सी को लेंगे हम यूनिट सर्कल मानेंगे। तो डी थीटा की वैल्यू रख देते हैं, डी थीटा की वैल्यू है डी जेड अपॉन आई जेड और ऊपर 1 मिलेगा, यहां पर 5 माइनस 3 कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे, कोस थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 2 जेड प्लस 1 अपॉन जेड, ये हमें मिल जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है पहले, तो ये आपको देगा इंटीग्रेशन सी और इसमें हम एलसीएम लेंगे नीचे, अगर नीचे एलसीएम ले तो 2 जेड एलसीएम आएगा, 2 इंटू जेड एलसीएम आएगा और यहां से आपको मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा 2 जेड एलसीएम आएगा माइनस 3 जेड स्क्वायर और माइनस 3, ये इस तरीके से मिलेगा और ये हो जाएगा यहां पर प्लस के 10 जेड, ठीक है, और यहां पर बचा है डी जेड अपॉन आई जेड। अब क्या होगा, ये जेड से जेड कट जाएगा, तो इस तरीके से जेड से जेड हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा इंटीग्रेशन सी, इस आई को इस टू के साथ, टू पर जाके बन जाएगा टू इस तरीके से और आई को इसके साथ ले लेता हूं और यहां पर आपको मिलेगा, इसको थोड़ा सही करके लिखता हूं, माइनस 3 जेड स्क्वायर प्लस के 10 जेड और माइनस 3 और यहां पर बचेगा डी जेड, ठीक है। तो ये हमारा जेड की फॉर्म में फंक्शन कन्वर्ट हो गया।
अब इसको हम फैक्टर फॉर्म में लेकर के आते हैं, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन सी, इंटीग्रेशन सी, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर माइनस टू अपॉन आई हो जाएगा, नीचे माइनस कॉमन लेने पर मिलेगा थ्री जेड स्क्वायर और माइनस टेन जेड और प्लस के थ्री डी जेड, इस तरीके से आपको ये मिल जाता है। अब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, फैक्टर फॉर्म में लेकर के आएंगे, है ना। या इसको डायरेक्टली आप एक काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली आप एफ जेड मान लो, ये जो भी फंक्शन आपका इंटीग्रेशन के अंदर लिखा है इसको एफ जेड आप लेट कर सकते हैं, एफ जेड डी जेड, और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि इसमें हमें कोची की डायरेक्ट थ्योरम लगानी है, तो एफ जेड इस तरीके से आपको कंसिडर करना होगा। अब हम इसमें एफ जेड को उठाते हैं, नाउ एफ जेड उठाएंगे, एफ जेड का मतलब है माइनस टू अपॉन आयोटा और डिवाइड बाई थ्री जेड स्क्वायर माइनस टेन जेड और प्लस थ्री। इसको पहले फैक्टर फॉर्म में लेकर के आते हैं, माइनस टू अपॉन आयोटा, है ना, इससे मिल जाएगा आपको थ्री जेड स्क्वायर और थ्री थ्री, इसके फैक्टर इधर कर लेते हैं, थ्री जेड स्क्वायर और माइनस टेन जेड प्लस थ्री, अगर इसके फैक्टर किए जाए तो ये होंगे थ्री जेड स्क्वायर माइनस नाइन जेड माइनस जेड प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहां से आपको मिलेगा थ्री जेड कॉमन जेड माइनस थ्री, यहां से मिलेगा माइनस वन कॉमन जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि इसके जो फैक्टर आएंगे, इसके फैक्टर मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं, इसके फैक्टर हमें मिलेंगे थ्री जेड माइनस वन और दूसरा फैक्टर होगा आपका जेड माइनस थ्री, इस तरीके से हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। यहां से भी हम थ्री को कॉमन ले लेंगे ताकि आगे रेजिड्यू निकालने में प्रॉब्लम ना हो, तो थ्री को अगर कॉमन लेते हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा डिवाइड से, इस वाले फैक्टर से थ्री कॉमन लेने पर जेड माइनस वन अपॉन थ्री, और यहां से मिलेगा जेड माइनस थ्री, और ये जो थ्री कॉमन लिया ये ऊपर ले जाते हैं, माइनस टू अपॉन थ्री आयोटा हमारा बन जाएगा। तो ये एफ जेड फॉर्म, एफ जेड जो है हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अब एफ जेड को इस फॉर्म में लाने के बाद फिर हमें कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगानी है, एफ जेड हमारे पास आ गया। अब हमें इसके पोल्स फाइंड करने हैं, पोल्स के लिए डिनोमिनेटर जीरो रखना है, फिर देखना है कौन से पोल कर्व के अंदर है, उन पर रेजिड्यू निकालना है, तब जाके कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगा के इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। तो अब हम इसके पोल निकालते हैं, फोर पोल्स, फोर पोल्स, पोल्स के लिए आप जानते हैं, ठीक है, पुट किया जाएगा डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर को जीरो पुट करेंगे तो जेड माइनस वन अपॉन थ्री और जेड माइनस थ्री को जीरो रखा जाएगा, यहां से जेड की वैल्यू आएगी वन अपॉन थ्री, यहां से जेड की वैल्यू आएगी थ्री, दोनों के दोनों सिंपल पोल है क्योंकि एक एक की पावर है फैक्टर की, यानी कि वन ऑर्डर के पोल है, लेकिन हमें यह देखना है कि इनमें से कौन सा पोल कर्व के अंदर जाएगा, क्योंकि आपका जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल है, सर्कल है वो हमारा यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल में अगर देखें जेड इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ये तो यहां पर जाएगा पॉइंट आपका इस तरीके से, जेड इक्वल टू वन अपॉन थ्री यहां पर होगा वन अपॉन थ्री कोमा जीरो पॉइंट, और जेड इक्वल टू थ्री आउटसाइड जाएगा, ये वन है तो जेड इक्वल टू थ्री लगभग इससे आगे जाएगा थ्री कोमा जीरो पॉइंट, यानी कि जेड इक्वल टू थ्री वो जो आउटसाइड चला जाएगा। हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, कौन सा पोल चाहिए जो कर्व के अंदर है, तो कर्व के अंदर एक ही पोल लाई करता है, वो है जेड इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ये हम लिख देते हैं यहां पर, ठीक है, ओनली जेड इक्वल टू वन अपॉन थ्री लाइज इनसाइड सी, एक ही पोल हमारा कर्व के अंदर लाई करता है। तो अब इस पर निकालेंगे रेजिड्यू, देयरफॉर रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू वन अपॉन थ्री, फॉर्मूला इसका होता है सिंपल पोल वाला फॉर्मूला, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए एफ जेड, सबकी वैल्यू रख देंगे, लिमिट जेड टेंस टू वन अपॉन थ्री और जेड माइनस वन अपॉन थ्री ए की वैल्यू, एफ जेड की वैल्यू ये जो हमने फैक्टर फॉर्म में लिया है यही रखेंगे, माइनस टू अपॉन थ्री आयोटा डिवाइड बाई जेड माइनस वन अपॉन थ्री और जेड माइनस थ्री, इसको लेने का फायदा ये फैक्टर तो पूरा पूरा कट जाएगा, बाकी सभी जगह पर जेड को वन अपॉन थ्री रख देंगे, तो माइनस के टू टू अपॉन थ्री आई ऊपर है, यहां पर जेड को वन अपॉन थ्री माइनस थ्री रख देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से मिला आपको माइनस के टू अपॉन थ्री इंटू आयोटा और डिवाइड में यहां से मिलेगा आपको थ्री एलसीएम और इससे मिलेगा आपको वन माइनस नाइन जो कि माइनस एट हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो
तो माइनस के टू अपॉन थ्री आयोटा, और ये ऊपर जाकर के माइनस के थ्री अपॉन एट हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, टू से एट कट जाएगा, फोर मिलेगा। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट वन अपॉन फोर आई। तो जो हमारा रेजिड्यू आया है आर, उसकी वैल्यू आई है वन अपॉन फोर इंटू आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम उस पोल पर रेजिड्यू निकालेंगे जो कर्व के अंदर है। एक ही पोल कर्व के अंदर था, जो बाहर है उस पे हमें रेजिड्यू नहीं निकालना है अकॉर्डिंग टू कोची रेजिड्यू थ्योरम। अब हम कोची की रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। नाउ बाय शॉर्ट में लिखता हूं सी आर टी, कोची रेजिड्यू थ्योरम। फॉर्मूला होगा आपका कोची रेजिड्यू थ्योरम का, कि जो आपका इंटीग्रेशन है अराउंड द क्लोज कर्व सी एफ जेड डी जेड, वो बराबर जाएगा टू पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज के। ठीक है, टू पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज, और ये जेड की फॉर्म में जो हमारा फंक्शन इंटीग्रेट हमें करना है कोची रेजिड्यू थ्योरम से, वास्तव में क्या था, ये जीरो से टू पाई था, ऊपर डी थीटा था, नीचे फाइव माइनस थ्री कोस थीटा था। ठीक है, ये हमें इंटीग्रेशन दिया था जिसको हमें फाइंड करना था। एक बार चेक कर लेते, यही था ना? हाँ, ये इंटीग्रेशन था। इस इंटीग्रेशन को हमने जेड में कन्वर्ट किया था जिसमें हमने कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगाई है। अब तो इस तरीके से हम कोची की रेजिड्यू थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जेड में कन्वर्ट करने के बाद कोची की रेजिड्यू थ्योरम से निकल जाएगा टू पाई आई, और यहाँ पर जो रेजिड्यू आपने निकाला है वो एक ही रेजिड्यू है वन अपॉन फोर आई। ऐसा करने से आई तो कट जाएगा, टू से फोर भी हमारा कट जाएगा, और सॉल्व करके आपको मिलेगा पाई अपॉन टू। यानी कि जो आपको इंटीग्रेशन दिया था जीरो से टू पाई डी थीटा अपॉन फाइव माइनस थ्री कोस थीटा, ये आपको वैल्यू देगा पाई अपॉन टू। यानी कि जो हमारा एक इंटीग्रेशन है वो हमने फाइंड कर दी, इसको मैं स्टार इक्वेशन कह देता हूं। तो ये तो हो गया कॉन्टूर इंटीग्रेशन से जीरो से टू पाई वाला इंटीग्रेशन हमने कोची रेजिड्यू थ्योरम जेड की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व किया है। साथ ही साथ में वहां पर आपको दो चीजें और पूछी गई थी कि एक तो आप इसी इंटीग्रेशन को जीरो से पाई में फाइंड करो, एक तो हमें ये पूछा गया था। ठीक है, दूसरा हमें इसी इंटीग्रेशन को फाइंड करना है माइनस पाई से पाई में। तो उसके लिए मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बताई थी कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा करके दोनों इंटीग्रेशन फाइंड करने होते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज कैसी लगेगी, चलिए पहले इसको जीरो से पाई के लिए सॉल्व करते हैं, है ना। अगर यहां पर देखे हेयर एफ थीटा की वैल्यू, एफ थीटा होगा जो आपके इंटीग्रेशन के अंदर है वन अपॉन फाइव माइनस थ्री कोस थीटा। प्रॉपर्टी थी कि अपर लिमिट टू पाई माइनस थीटा, हमें यहां पर थीटा की जगह पे रखना है बोथ साइड, तो यहां पर थीटा की जगह टू पाई माइनस थीटा, और यहां पर भी थीटा की जगह पे टू पाई माइनस थीटा। और आप जानते हैं कि कोस टू पाई माइनस थीटा कोस थीटा के ही बराबर होता है, तो ये हमारा वही फंक्शन आ जाएगा जो कि हमारा ऊपर एफ थीटा है। यानी कि इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देन फ्रॉम स्टार स्टार इक्वेशन क्या कहती है कि आप क्या करेंगे, दो से बाहर मल्टीप्लाई और लिमिट को दो से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी आपकी यहां पर लग जाएगी, यह डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। अगर अपर लिमिट माइनस थीटा, थीटा की जगह पर रखने पर एफ थीटा ही आ जाए तो ये प्रॉपर्टी लगती है। लिमिट में दो से डिवाइड और बाहर दो से मल्टीप्लाई, ऐसा करने से टू कट जाएगा, और इससे आपको ये जो टू है इसको इधर ले आओ, ये पाई बाई फोर बन जाएगा। इसको सॉल्व करके मिलेगा जीरो से पाई डी थीटा अपॉन फाइव माइनस थ्री कोस थीटा, इसकी वैल्यू आएगी पाई अपॉन फोर। ठीक है, यानी कि ये इंटीग्रेशन हमारा फाइंड हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी को यूज करके। अब हम दूसरा इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। दूसरा इंटीग्रेशन है माइनस पाई से पाई, उसमें हम इवन ओड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। तो जो एफ थीटा है इंटीग्रेशन के अंदर वो हमारा है हेयर, एफ थीटा की जो वैल्यू है वो है वन अपॉन फाइव माइनस थ्री कोस थीटा। पहले ये चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ओड है, तो बोथ साइड आपको थीटा को माइनस थीटा रखना पड़ेगा। थीटा को माइनस थीटा रखने पर, चूंकि आप जानते हैं कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही बन जाता है, तो ये फंक्शन वही बन जाएगा जो कि आपको दिया था, ये एफ थीटा ही बन जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि जो एफ थीटा है वो हमारा इवन फंक्शन है।
और इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको पता है कि दो से बाहर मल्टीप्लाई और लिमिट को जीरो से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर टू, या डबल स्टार कह देता हूं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देयरफोर प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस इंटीग्रेशन को जो माइनस पाई से पाई इंटीग्रेशन था, माइनस पाई से पाई डी थीटा अपॉन फाइव माइनस थ्री कोस थीटा, चूंकि ये इवन फंक्शन है तो दो से बाहर मल्टीप्लाई और लिमिट को जीरो से कन्वर्ट कर देते हैं, चूंकि ये इवन फंक्शन है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपने डबल स्टार इक्वेशन में फाइंड कर रखी है, जीरो से पाई इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू है पाई अपॉन फोर, तो टू इंटू पाई अपॉन फोर हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग ये भी आपको पाई बाई टू वैल्यू देगा। ठीक है, लिख देना कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम डबल स्टार वाली इक्वेशन से। तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की दोनों प्रॉपर्टी को अप्लाई करके कोची रेजिडी थ्योरम वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो लास्ट में ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर इसका दूसरे तरह का इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं हम बाय यूजिंग कोची रेजिडी थ्योरम, है ना। कॉन्टूर इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ कोची रेजिडी थ्योरम, और वो इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स टाइप का। ठीक है, जो इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी दिए होते हैं, जिसमें एक्स टाइप का फंक्शन दिया होता है, उसको हम कोची की रेजिडी थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्टूर इंटीग्रेशन का यूज करके। इसको एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको डायरेक्टली। अप्लाई कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू, ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डीएक्स, यानी कि जो आपको इंटीग्रेशन दिया है वो इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन आपको गिवन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डीएक्स। इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है, जो कि रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन है, जो कि इंटर वाले मेथड से सॉल्व नहीं होगा। इसको हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कोची रेजिडी थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है, इसको हम कॉन्टूर इंटीग्रेशन में बदलेंगे। कॉन्टूर इंटीग्रेशन में बदलने का जो तरीका है वो समझना होगा, क्योंकि स्टेप वाइज ही क्वेश्चन को करना होता है। सबसे पहली स्टेप यहाँ पर है, पहले स्टेप ये होती है, जो भी इंटीग्रेशन आपका है उसको आपको इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड मान लेना है, और सी क्लोज कर्व होगा वो कैसे बनेगा वो समझना है आपको। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड जो हमारा बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन सी, पूरा इंटीग्रेशन जेड में बदल जाएगा, वन प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर डी जेड। लेकिन यहां पर जो सी क्लोज कर्व लेंगे वो समझिएगा क्या लेंगे हम यहां पर, चूंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है वो रियल लाइन को कवर करेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, ये रियल लाइन को कवर करेगा। लेकिन हम यहां पर एक ऐसा सर्कल लेते हैं जो लार्ज रेडियस का है, और वो लार्ज रेडियस मैंने कवर की कैपिटल आर, सेंटर लिया ओरिजिन, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आर, ये हो जाएगा प्लस आर। तो हमने आधा तो माना है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जो ऊपर बना है ये सेमी सर्कल होगा आपका, जिसको हम सी आर कह सकते हैं, सी और ये कैपिटल आर, ऊपर वाला सेमी सर्कल, और यहां से यहां तक बन गई रियल लाइन। इसको मैं किसी दूसरे कलर से आपको बताता हूं, यहां से यहां तक बन गई रियल लाइन, ये वन, ठीक है, तो ये रियल लाइन यहां से यहां तक, और ये सेमी सर्कल यहां से यहां तक, ये रियल लाइन और सेमी सर्कल दोनों मिलकर के एक क्लोज्ड कर्व बनाएंगे, जो मैंने शेडेड किया है, सेमी सर्कल सी आर और ये रियल लाइन, जिसको आप इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस आर से आर, ये दोनों मिलकर के क्लोज कर्व बनाएंगे, और उस क्लोज कर्व को हमने नाम दिया है सी का, जो कि कॉन्टूर इंटीग्रेशन बनाएगा। तो सी है क्या, सेमी सर्कल और प्लस ये रियल लाइन इंटीग्रेशन माइनस आर से आर, और चूंकि आर लार्ज रेडियस का सर्कल हमने कंसिडर किया है ना, रियल लाइन पर जो आर है वो लार्ज नंबर है, इसको हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे, तब जाके लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आती है। कैसे आएगी समझेंगे आगे। तो यहां पर इस इंटीग्रेशन को हमने जेड की फॉर्म में कन्वर्ट किया, सी जो है वो हमारा क्लोज कर्व बनेगा, जो शेडेड किया है दो चीजों से, एक तो आधा सर्कल ऊपर वाला और रियल लाइन आपकी माइनस आर से आर इंटरवल। ठीक है, ये होती है पहली स्टेप जो आपको हर क्वेश्चन में फिगर के साथ में इस तरीके से एक्सप्लेन करनी होती है। दूसरा इसमें आता है कोची की रेजिडी थ्योरम।
कोचे की रेजिडी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं दूसरे स्टेप में, इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा। कोचे की रेजिडी थ्योरम वैसे तो आप जानते हैं कि माइन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड हमें कोचे की रेजिडी थ्योरम से फाइंड करना होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आई और सम ऑफ रेजिड्यूज। ये पार्ट के इक्वल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोचे की रेजिडी थ्योरम कहती है। लेकिन जो हमारा इंटीग्रेशन सी है वो दो हिस्सों में टूटेगा, आधा तो ये सेमी सर्कल जो कि सी आर के अबाउट निकलेगा और आधी ये रियल लाइन जो कि माइनस आर से आर पर निकलेगी। रियल लाइन पर रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन है तो एक वेरिएबल एक्स चलेगा और यहां पर सेमी सर्कल जो है वो दो वेरिएबल एक्स और वाई में चलेगा। तो इसको हम वैसे तो कोचे की रेजिडी थ्योरम से ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व सी दो हिस्सों में ब्रेक हो रखा है। एक तो रियल लाइन माइनस आर से आर, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा माइनस आर से आर किसका, एफ एक्स का, क्योंकि रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन रियल लाइन है, रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन बनेगा तो एक्स वेरिएबल यूज करके चलेंगे फंक्शन में। और दूसरा बनेगा आपका अपर हाफ जो ये आपका सेमी सर्कल है सी आर, सी आर में एफ जेड को फाइंड करेंगे जो दो वेरिएबल में चलेगा। ठीक है, तो अगर आ जाए कोचे की रेजिडी थ्योरम से तो ये बराबर होगा इसके, और अगर जाए अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने कंसिडर किया है सी, तो वो दो इंटीग्रेशन बनेंगे, एक तो ये माइनस आर से आर और एक बनेगा एक सेमी सर्कल सी आर के अबाउट। दूसरे स्टेप में आपको ये हमेशा लिखना होता है, इसको हम इक्वेशन वन डालते हैं। थर्ड स्टेप में आपको हर बार ये लिमिट निकालनी है, लिमिट आर टेंस टू इंफिनिटी जेड एफ जेड की, और ये लिमिट आपकी हमेशा जीरो आनी चाहिए। ये लिमिट क्या आनी चाहिए, हमेशा जीरो आनी चाहिए। अगर ये लिमिट जीरो आती है तो ये आर टेंडिंग टू इंफिनिटी पर जो दूसरे वाला इंटीग्रेशन है ये हमेशा जीरो वैल्यू देगा, लेकिन ये लिमिट जीरो आएगी तब ये कंडीशन फुलफिल होती है। तो उसको देखते हैं हम इस क्वेश्चन में जीरो आएगी या नहीं आएगी, है ना। इसमें मैंने रखा लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी जेड इंटू एफ जेड, एफ जेड जो कि आपको इंटीग्रेशन दिया था ऊपर, एफ जेड की जो वैल्यू है वो है आपकी 1/1 + z का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पर रख देते हैं 1/1 + z के स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर यहां पर देखें अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, एक जेड ऊपर है, नीचे से जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, लेकिन पावर 2 की वजह से जेड की पावर 4 बाहर मिलेगा, तो ये 1/z² + 1 का होल स्क्वायर बनेगा। एक जेड से एक जेड कट जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी 1/z और 1/z² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जेड को इन्फिनिटी रखने पर 1/∞ और ये आपको 1 0 + 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। 1/∞ का मतलब जीरो होता है, यानी कि ये जो लिमिट है ये हमारी लिमिट जीरो आ जाएगी। और अगर ये लिमिट जीरो आती है तब आपको ये हमेशा लिखना होता है कि आर टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये जो सेमी सर्किल के अबाउट में एफ जेड का इंटीग्रेशन होगा ये हमेशा जीरो होगा। यदि ये लिमिट जीरो आती है तो ये लिमिट जीरो आएगी। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम है स्टेप 4 में, ये जो इक्वेशन 1 हमने बनाई थी इसमें आर को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराना है, तभी तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बनेगा जो आपको क्वेश्चन में दिया था। तो हम क्या करेंगे, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे इक्वेशन 1 में। अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे इंटीग्रेशन हमारा सेम रहेगा, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बन जाएगा। आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर यहाँ पर लिमिट लगा देंगे इस इंटीग्रेशन में, जो इंटीग्रेशन है इक्वल वाला पार्ट 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू सेम रहेगा। और ये आपने इक्वेशन 2 में जस्ट अभी फाइंड किया है कि ये जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है जीरो के बराबर है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, जीरो हो जाएगी ये टर्म। इससे क्या होगा, ये वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू, तीनों वैल्यू इक्वल आ जाएगी। तो आपको हर क्वेश्चन की 4 स्टेप में इतना वर्क करके दिखाना होता है। इससे आपको ये पता लग गया कि जो हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन दिया है वो वास्तव में क्लोज कर्व सी के अबाउट में फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग कोचे की रेजिडी थ्योरम। तो 4 स्टेप में तो आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है। अब हमारा काम है एफ जेड के लिए पोल निकालना, फिर वो पोल देखना जो कि हमारे कर्व के अंदर लाई करते हैं, फिर उन पर रेजिड्यू निकालना, फिर रेजिड्यू की थ्योरम लगा के इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे कौन कौन से पोल कर्व के अंदर लाई करेंगे। फाइंड द रेजिड्यू एट द पोल लाइज इनसाइड सी यूज इन इक्वेशन 3। फिर रेजिड्यू को हमें यूज करना होता है, तो ये हमारा मेथड है, अभी मैं इसको यूज करूंगा मेथड को।
तो पोल्स को निकालने के लिए एफ जेड को उठा लेते हैं। नाउ एफ जेड जो फंक्शन है आपका वो है 1/1 + z² का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 + z² के फैक्टर होते हैं जेड प्लस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर भी पावर 2 है, 1 + z² के फैक्टर लिखे हैं। दोनों को अलग अलग करेंगे तो जेड प्लस आई का स्क्वायर और जेड माइनस आई का स्क्वायर मिलेगा। पोल्स के लिए डिनोमिनेटर को 0 रख देते हैं, फोर पोल्स पुट डिनोमिनेटर ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0। इससे आपको मिलेगा जेड प्लस आई का होल स्क्वायर और जेड माइनस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से जेड की वैल्यू माइनस आई दो बार आएगी, यहां से जेड की वैल्यू आई आई दो बार आएगी। ठीक है, इसका मतलब है 0, -1 पॉइंट, इसका मतलब है 0, 1 पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है दो बार आया है तो ये दो ऑर्डर का पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर 2। ये भी आपका दो बार आया है तो ये भी दो ऑर्डर का पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर 2। अब आपको देखना है कि इन दोनों पोल में से जेड इक्वल टू माइनस आई यानी कि 0, -1 पॉइंट में से और जेड इक्वल टू आई 0, 1 पॉइंट में कौन सा हमारे कर्व के अंदर है जो हमने कंसीडर किया है। तो एक पॉइंट है 0, 1, एक पॉइंट है 0, -1। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव वाला जो पॉइंट है वो कर्व के अंदर लाई करेगा। तो 0, 1 पॉइंट जाएगा आपका लगभग यहां पर और 0, -1 पॉइंट जाएगा इसके जस्ट अपोजिट में। तो आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट हमारे इस कर्व से जो हमने क्लोज कर्व सी लिया है जो कि रियल लाइन माइनस आर से आर और सेमी सर्कल से मिलकर बना है, ये पॉइंट कर्व से बाहर चला जाएगा। तो हमें इस पर रेजिड्यू नहीं निकालना है, हमें रेजिड्यू निकालने केवल इस पॉइंट पर जो कि जेड इक्वल टू आई पॉइंट है। तो अब हमारा काम है जेड इक्वल टू आई पर रेजिड्यू निकालना जो कि हमारा कर्व के अंदर लाई करता है। यहां पर हम लिख देंगे लाइज इनसाइड सी, क्योंकि सी के अंदर लाई करता है तो इसी पर हम रेजिड्यू निकाल देंगे। देयरफॉर रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू आई पर, क्योंकि दो ऑर्डर का पोल है तो फॉर्मूला लगेगा आर इक्वल टू 1/(m-1) लिमिट जेड टेंस टू ए m-1 टाइम डिफरेंशिएशन जेड। तो m-1 टाइम डिफरेंशिएशन होगा और यहां पर होता है जेड माइनस ए की पावर m और ये इनटू में एफ जेड आता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि पोल ये हमारा दो ऑर्डर का है तो इसमें m की वैल्यू को हम 2 डाल देंगे। इससे आपको मिलेगा 1/(2-1) और लिमिट जेड टेंड इंटू आई हो जाएगा जो कि हमारा पोल है। m की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो ये एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अंदर आपको मिलेगा जेड माइनस आई की पावर m, m की वैल्यू दो ऑर्डर का पोल 2 है। एफ जेड की वैल्यू जो ऊपर हमने फैक्टर फॉर्म में ली थी वो रख देंगे, जेड माइनस आई का होल स्क्वायर जेड प्लस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ये फैक्टर पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और ये फैक्टर अगर कटता है तो इसको काटने के बाद 1/(1) बाहर 1 मिलेगा, लिमिट जेड टेंस टू आयोटा और यहां पर आपको मिलेगा d/dz एक बार डिफरेंशिएशन 1/(z+i)/2 का। और अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन आप करते हैं लिमिट जेड टेंस टू आई, एक बार डिफरेंशिएशन करने पर आपको मिलेगा जेड माइनस आई की पावर ऊपर जाकर के -2 हो जाएगी, तो डिफरेंशिएशन होगा -2 और जेड प्लस आई की पावर -2, -1 यानी कि -3 पावर होगी। तो इसको आप लिख सकते हैं जेड प्लस आयोटा की पावर 3 नीचे ले जाकर के ये डिफरेंशिएशन होगा। इसमें जेड को आई डाल देते हैं तो ये मिलेगा i+i/3 और आफ्टर सॉल्विंग -2/(i+i)(2i)/3। ठीक है, और इससे आपको मिलेगा -2 ऊपर से, 2^3 = 8, i^3 = i² × iota। ठीक है, 2 से 8 कट जाएगा जो कि 4 बचाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इससे ये माइनस कट जाएगा, ऊपर से आपको मिला 1 नीचे से मिला 4i, तो ये हमारी जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसमें इसको इक्वेशन 1 में यूज कर देते हैं, यूजिंग इन 1 इक्वेशन। अगर 1 में यूज करें तो जो हमारा इंटीग्रेशन था -∞ से ∞, ठीक है, fx dx, वो हमने कन्वर्ट कर दिया था इंटीग्रेशन c fz dz में, और फॉर्मूला था 2 पाई आई
और सम ऑफ रेजिड्यूज। इक्वेशन थ्री में जो हमने बनाया था सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। सबसे पहले तो इधर एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी एफ एक्स की वैल्यू थी 1/1 + x² का होल स्क्वायर डीएक्स, और इसमें हमने कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगाई है इधर, और ये आपको मिलेगा 2πi और सम ऑफ रेजिड्यूज यानी कि r की वैल्यू 1/4i। ऐसा करने से i से i कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, सॉल्व करके आपको π/2 इसके लिए फाइनल आंसर मिलेगा। तो जो भी आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स टाइप का इंटीग्रेशन दिया होगा, उस इंटीग्रेशन को आप जेड में कन्वर्ट करेंगे इस मेथड से, वो चार स्टेप जो ऊपर बताई, पांचवी स्टेप में कोची की रेजिड्यू थ्योरम लगा के वो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जेड की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही हमारे कर्व के अंदर लाई करती है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। डिटेल में आप वीडियोज मैंने अपलोड कर रखी, डिटेल में अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप उन वीडियोज को देख करके कर सकते हैं। इस वन शूट में मैंने इसे एक एग्जाम्पल से इस मेथड को आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन वाला वन शॉट था वो इस वीडियो से कंप्लीट होता है, और इतना ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 पांचों यूनिट के हमारे जो वन शॉट रिविजन है वो कंप्लीट हुए, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वन शॉट रिविजन से क्या काम चल जाएगा, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, जो मैंने शीट दे रखी है उससे। इसमें केवल आपको रिवाइज करना है, एक ही क्वेश्चन आपको मैंने किसी मेथड का इसमें कराया है ना, तो उससे आपका केवल रिवीजन होगा। और मैथमेटिक्स में क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएशन होते हैं, तो अगर आपको ज्यादा वेरिएशन क्वेश्चन के चाहिए तो आपको डिटेल लेक्चर्स भी देखने होंगे, इस वन शॉट से काम नहीं चलता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।